अफगानिस्तानी मूल की माने जाने वाली आम प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पिछले साल इल्लियों ने नूरजहां की फसल बर्बाद कर दी थी। अपने भारी भरकम फलों के चलते आमों की मलिका के रूप में मशहूर नूरजहां की फसल पिछले साल इल्लियों के भीषण प्रकोप के चलते बर्बाद हो गई थी। लेकिन आम के इस दुर्लभ किस्म के मुरीदों के लिए एक अच्छी खबर है कि मौजूदा मौसम में इसके पेड़ों पर फलों की बहार आ गई है। अफगानिस्तान मूल की माने जाने वाली आम प्रजाति जहाँ के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नूर जहाँ के फल तकरीबन 1 फुट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी गुठली का वजन ही 150 से 200 ग्राम के बीच होता है। नूर जहाँ के फलों की सीमित संख्या के कारण शौकीन लोग इसकी तब की ही बुकिंग करा लेते हैं जब ये डाल पर लटक कर पक रहे होते हैं। मांग बढ़ने पर इससे केवल एक फल की कीमत 500 रुपए तक भी पहुंच जाती है। इंदौर से करीब 250 किलोमीटर दूर कट्टीवाड़ा में इस प्रजाति की खेती के विशेषज्ञ इशाक मंसूरी ने बताया, इस बार मौसम की मेहरबानी से नूरजहां के पेड़ों पर खूब फल लगे हैं, लिहाजा हम इसकी अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नूरजहां के पेड़ों पर जनवरी से बोर आना शुरू हुए थे और इसके फल जून के आखिर तक पक कर तैयार होंगे। इस बार इसके एक फल का औसत वजन 2.5 किलोग्राम के आसपास रहने का अनुमान है। बहरहाल ये बात चौंकाने वाली है कि किसी जमाने में नूरजहां के फल का औसत वजन 3.5 से 3.75 किलोग्राम के बीच होता था। जानकारों के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान मानसूनी बारिश में देरी, अल्पवर्षा, अतिवर्षा और आबोहवा के अन्य उतार चढ़ावों के कारण नूरजहां के फलों का वजन लगातार घटता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण आम की इस दुर्लभ किस्म के वजूद पर संकट भी मंडरा रहा है। मंसूर ने बताया कि गुजरे बरसों में कट्टीवाड़ा के बाहर के इलाकों में कई लोगों ने नूरजहां की कलम रोपी, लेकिन ये पौधे पनप नहीं सके। उन्होंने कहा, आम की ये प्रजाति मौसमी उतार चढ़ावों के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसकी देखरेख उसी तरह करनी होती है जिस तरह हम किसी छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। पिछले बरस नूरजहां के कदरदां बहुत मायूस हुए थे क्योंकि इल्लियों के भीषण प्रकोप के चलते इसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। मंसूरी बताते हैं कि पिछले साल इल्लियों ने अचानक हमला बोला और नूरजहां के बोरों को फल बनने से पहले ही चट कर लिया और फसल का नामो निशान बाकी नहीं रहा। इस बार नूरजहां की अच्छी फसल से उत्साहित मंसूरी कहते हैं कि इस साल मौसम की मेहरबानी और उचित देखभाल से नूरजहां के पेड़ भारी भरकम फलों से लदे हुए हैं और लोग इसका जी भर कर मजा ले सकें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।